गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट जिसका नाम है ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट। ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट एक स्पेसिफिक वर्क के लिए आपका यूज़ में लिया जाता है। मल्टी टाइम इसका भी आपको एरो के ऊपर कंडीशन दे रखी होती है एग्जाम के अंदर, और आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि ये रिएजेंट किस लिए यहाँ पे दे रखा है। तो डेफिनेटली जो आपके ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट है वो आपके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑन एरोमेटिक रिंग के ऊपर ये एग्जर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। नॉर्मली जो मेटल्स रहते हैं अगर किसी एल्किल ग्रुप के साथ या एरिल ग्रुप के साथ जुड़े हुए तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं रिंग को, बट यहाँ पे क्रोमियम अगर जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे हम इसकी जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ आउट करता है एरोमेटिक रिंग से। इससे एरोमेटिक रिंग या कोई भी रिंग सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन में एक्ट करती है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर रिंग एक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर ये परफॉर्म करती है। नॉर्मली जो आपकी बेंजीन रिंग या अदर एरोमेटिक रिंग क्या करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफरेंशियली देती है, बट अगर क्रोमियम मॉइटी आपके एरिल या एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करेगा। तो चलिए आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं, स्टडी करते हैं इसके बारे में। सॉरी, हमारे पास है आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट के बारे में। हमारे पास रहता है एरिल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, दिस वन इज एरिल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका, द क्रोमियम एटम एग्जर्ट ऑन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑन एरोमेटिक रिंग। ओके, मीन्स जो भी आपके साथ रिंग है, लाइक अगर हमारे पास ये रिंग आपके पास यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए लेफ्ट साइड में, अगर आपका क्रोमियम एटम या क्रोमियम मेटल जुड़ा हुआ है तो ये कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग कैरेक्टर या विड्रोविंग इफेक्ट ये शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग इफेक्ट। और आपका जो रिंग रहेगा वो रिंग फिर आपका एक्ट करेगा एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये एक्ट करेगा, तो इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग दिस अलाउ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन एरोमेटिक रिंग। अब आपके रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो डेफिनेटली इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। चलिए इसके अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रहता है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट। तो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में रहना चाहिए एरिल मॉइटी, दिस वन इज एरिल, कोई भी लाइक आपके पास सैचुरेटेड एरिल सिस्टम हो सकता है या है सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरिल सिस्टम हो सकता है। फिर आपको इसकी रिएक्शन करवानी होती है क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल से, दिस वन इज ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है आपका, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ये क्या कर रहा है आपका, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है क्रोमियम, पार्टिसिपेट 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 कार्बोनिल पार्टिसिपेट 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 6 2 या 12 प्लस 6 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फिक्स इलेक्ट्रॉन काउंट आपको रहता है। हिट करोगे तो इसमें से क्या होगा कि अब बेंजीन जो आपके पास है मैक्सिमम हेप्टासिटी इसकी रहती है 6, अगर 6 हेप्टासिटी अगर है तो 3 कार्बोनिल को एलिमिनेट करना होता है, तो 6 हेप्टासिटी से क्रोमियम से जुड़ता है। तो चलिए 3 कार्बोनिल गेट एलिमिनेट, और 3 कार्बोनिल के एलिमिनेट होने से कितनी वैलेंसी कम हुई, 6। अब ये 6 का जो गैप है वो बेंजीन के थ्रू फुलफिल होगा, तो ये हो गया आपका क्रोमियम, दिस CO3 एंड C6H5R। आपके पास यहाँ पे भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा 6 ड्यू टू क्रोमियम, दिस 6 ड्यू टू हेप्टासिटी 6 ऑफ बेंजीन एंड 3 टू जा 6 ड्यू टू 3 कार्बोनिल, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स स्टेबल सिस्टम। तो ये जो आपके पास आया दिस वन, ये आपके पास है ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट। ओके, ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट आपके पास है। चलिए अब इसके स्पेसिफिक रिएक्शंस जो है वो हम देख लेते हैं। पहला, जैसे कि मैंने बताया था कि आपके पास
लाइक ये दे रखा है ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट। अब ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट में ये आपका फ्लोराइड ग्रुप है, दिस वन इज। इसको अगर मैं नेम देना चाहूँ तो नेम भी दे सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी इसकी हेप्टासिटी कितनी है, 6 हेप्टासिटी है। अब आपने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, दिस वन, एरो के ऊपर आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, ओके, डाइकार्बोक्सिलेट मिथेन, ठीक है। अब ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और क्रोमियम मॉइटी के साथ जुड़ा हुआ जो आपका रिंग है वो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये कहाँ पे एक्ट करेगा, आपके फ्लोरीन सेंटर पे जाके एक्ट करेगा, यानी कि अटैक करेगा, और आपकी पास जो हेप्टासिटी पहले 6 थी वो 5 में कन्वर्ट होगी और थोड़ा सा बेंडिंग टाइप में लाइक होमो एरोमेटिक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास रही अटैक के बाद, इंटरमीडिएट आप बोल सकते हो उसको, ए इंटरमीडिएट आप बोल सकते हो। ये चला गया ऊपर, दिस वन इज sp3 कार्बन, ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है आपके पास इसे लिख सकते हो sp3 कार्बन, और जो प्लेन ऑफ पेपर है वो आपके सर्कुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, वो एरोमेटिक सिस्टम में ही अभी भी रहेंगे। ये आपके पास है ए इंटरमीडिएट, जो नीटा 5 था, सॉरी नीटा 6 कन्वर्टेड टू नीटा 5, अभी भी ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। देन आफ्टर क्या रहेगा, 16 वापस से ये 17 के अंदर कन्वर्ट होगा, 18 में कन्वर्ट होगा। तो 18 में कन्वर्ट होने के लिए ये फ्लोराइड जो है वो आपका गेट एलिमिनेट होगा, हेप्टासिटी 5 से इंक्रीज होगी, किसमें 5 to 6 में इंक्रीज होगी। तो फ्लोराइड आपका इस sp3 कार्बन से एलिमिनेट होगा और आपके पास sp2 कार्बन वापस प्लेन ऑफ पेपर मिलेगा। तो ये आपका प्लेन ऑफ पेपर, दिस वन इज कार्बन जिसके ऊपर अटैक हुआ था, और ये आपका जो ग्रुप आपका न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप आपका हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास देखने को मिला न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन रिंग, ठीक। तो ये आपके पास CrCO3 प्रोडक्ट है, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल रहता है वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। हमारे पास एग्जाम्पल सेकेंड भी जस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह ही है, ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट है। इसमें अगर मैं इसे एनालाइज करता हूँ तो दिस सेंटर है, यहाँ पे फ्लोरीन है और फ्लोरीन के दोनों साइड आपके पास मिथाइल, अब ऑर्थो अल्फा एंड अल्फा प्राइम पोजिशन पर, सपोज दिस वन इज अल्फा तो दिस वन इज अल्फा प्राइम, इस कार्बन के अकॉर्डिंग, कार्बन जिसको मैं ले रहा हूँ दिस कार्बन नंबर 1 के अकॉर्डिंग अल्फा और अल्फा प्राइम पे दोनों ही जगह मिथाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो डेफिनेटली जो आपका न्यूक्लियोफाइल है फ्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वहां पे ये अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू हिंड्रेंस। तो ये क्या करेगा, ये या तो फिर अल्फा, दिस वन इज बीटा, दिस वन इज गामा, ये अल्फा प्राइम, दिस वन इज बीटा, या तो ये बीटा या गामा के ऊपर अटैक करेगा। तो डेफिनेटली जो आपका अटैक यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बीटा पोजीशन पे देखने को मिलेगा, ओके। तो जहाँ पे अब पहले स्टेप में आपने क्या किया, दिस वन इज डाइथाइन लिथियम रिएजेंट है जो कि एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये लिथियम जब स्टेट डिटेच होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दिस वन इज इस टाइप से रहेगा आपके पास, लेफ्ट साइड में देखिएगा डाइथाइन लिथियम आपका रहता है, ये आपका नेगेटिव, ये आपका लिथियम पॉजिटिव। अब ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये पूरी मॉइटी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका ये बीटा रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो यहाँ पे ये जाके अटैक करेगा, हेप्टासिटी जो आपके 6 थी वो 5 में कन्वर्ट होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप में हेप्टासिटी 5, 6 में जैसे ही कन्वर्ट होगी तो जो हाइड्रोजन बीटा पोजिशन पे वो एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास दिस मॉइटी देखने को मिलेगी, दिस वन, ओके। ये आपका रहेगा प्रोडक्ट। और अगर आपको क्रोमियम का डी प्रोटेक्शन करवाना है यानी क्रोमियम हटाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, लास्ट स्टेप पर जो आपका रहेगा दिस वन इज एसिडिक वर्कअप करना पड़ेगा, एच प्लस एसिडिक वर्कअप करेंगे तो आपके पास क्रोमियम मेटल गेट डिटेच हो जाएगा, आपके पास गेट डिटेच रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा सिर्फ प्रोडक्ट। इसी टाइप से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे भी देख लेते। क्वेश्चन 3 में ऑर्गेनो क्रोमियम रिएजेंट आपके पास दे रखा है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल, ये आपके पास सेंटर है और ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन के ऊपर मिथाइल का एक बल्काइननेस आपको देखने को मिल रहा है, तो दिस वन इज अल्फा और ये बीटा के ऊपर ये अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और ऑक्सीजन आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ऑक्सीजन क्या करेगा अल्फा बीटा एंड गामा, ओके। आप बोल सकते हो या फिर आप ये भी बोल सकते हो ऑर्थो मेटा एंड पैरा,
ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ड्यू टू ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस कारण से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और ऑर्थो एंड पैरा पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए जो आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा दिस वन, यहाँ से हाइड्रोजन आपके ये लिथियम है ना आपके पास, ये लिथियम आपका डिटेच होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसे पहले हटाइए, जस्ट वन मिनट, ये आपका रहेगा डेल्टा नेगेटिव, लिथियम आपके पास डेल्टा पॉजिटिव है या पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बीटा पोजीशन के ऊपर। दिस वन गेट अटैकिंग ऑन बीटा, फिर इसकी एप्टासिटी 6 से 5 में कन्वर्ट होगी, देन आफ्टर 5 टू 6 में कन्वर्ट होगी एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। दिस वन इज प्रोडक्ट, और वो भी आपका कैसा प्रोडक्ट रहा, मेजर प्रोडक्ट। और जो आपका अल्फा यानी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो अटैक है वो क्या है, आपका 6% प्रोडक्ट ही मिल रहा है ऑर्थो के ऊपर 6, जबकि मेटा के ऊपर कितना मिल रहा है आपको, दिस वन इज ऑर्थो, दिस वन इज मेटा, मेटा के ऊपर 94% ड्यू टू ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर था, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली आके अटैक कर पाता, यही कंसेप्ट था। नेक्स्ट वन हमारे पास जो एग्जाम्पल है दिस वन इज, देख लेते हैं इसको, आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी अगर मैं ये रिलेटिव वाली दिस सेंटर की बात करूँ तो जो फ्लोरीन अटैच होने के कारण पूरे रिंग में यही सेंटर ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, क्योंकि फ्लोरीन कैसा होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो डेफिनेटली जिस इप्सो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। आप एन ब्यूटाइल लिथियम, और अगर आप एन ब्यूटाइल लिथियम यूज में ले रहे हैं तो क्या होगा, एन ब्यूटाइल लिथियम जो रहता है वो बेंजीन के साथ लगभग क्या शो करता है, ये आपका पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा डायरेक्टली, ये कार्बन ऑफ फ्लोरीन जिससे अटैच है वहाँ पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में होनी है। तो इसने क्या किया, पहला स्टेप जो इसके ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन था और ऑर्थो अटैक जो हम लेते हैं ऑर्थो अटैक, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पहला इसका काम होगा जो एन ब्यूटाइल लिथियम नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे आपके पास क्या बनाएगा, दिस वन गेट क्रिएट नेगेटिव चार्ज ऑर्थोलिथिएटेड प्रोडक्ट, ये फिर इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा लिथियम प्लस आयन, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये लिथियम प्लस है ये नेगेटिव चार्ज है, ओके ये मिला आपके पास इंटरमीडिएट ए। अब इस इंटरमीडिएट ए की रिएक्शन आपने कराई लैक्टोन से, दिस वन इज लैक्टोन, दिस वन इज लैक्टोन यानी साइक्लिक ईस्ट, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ कीटोन, तो ये आपका गया यहाँ पे, फिर आपका हुआ दिस कार्बोनिल ओपन एंड अगेन क्लोज, जैसे ही क्लोज हुआ ये आपका बॉन्ड ब्रेक और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ला लीजिए इसको अगर नंबर देना तो इसे 1 नंबर कार्बन, इसे 2 नंबर, 3, 4, 5 एंड ये 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन के ऊपर अब क्या है नेगेटिव चार्ज है। दिस नेगेटिव चार्ज अगर आपका फ्लोरीन अटैच्ड कार्बन के ऊपर अटैक करे, ये 6 और ये सपोज करो 7 नंबर दिया, अगर इसने यहाँ पे अटैक किया तो आपका गेट फ्लोरीन बाहर, ठीक, तो यही होता है आपका दिस ऑक्सीजन आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आपको क्या मिलता है, ये अटैक करने से 7 मेंबर्ड रिंग मिलता है, बायसाइक्लिक रिंग रहती है आपके पास, फ्यूज्ड रिंग, और ये आपका रहेगा प्रोडक्ट, दिस वन इज प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है डायरेक्टली, ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट है, दिस वन इज ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट, और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है ऑर्गेनोमेथिल लिथियम से, दिस वन इज ऑर्गेनोमेथिल लिथियम, तो आपने पास न्यूक्लियोफाइल आएगा मिथाइल नेगेटिव, ओके एनायन, ये आपका कहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो आपका कार्बोनिल कार्बन रहेगा यहाँ पे अटैक, ये आपका कार्बोनिल ओपन, दिस वन इज ओपन, और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसका एच प्लस एसिडिक वर्कअप कराए हुए तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन गेन करके एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा, और मिथाइल एंड एल्कोहल की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगी। तो दिस वन इज अगर मिथाइल ने ऊपर से अटैक किया तो आपका OH जो है वो
डाउन द फेस के अंदर जाएगा, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, दिस वन इज प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक नेम रिएक्शन है जो क्रोमियम ऑर्गेनो। नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं नोजाकी हियामा रिएक्शन। ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट बेस्ड ये कपलिंग रिएक्शन रहता है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए काम में आता है। दिस वन इज हमारे पास रहता है अलाइलिक ग्रुप को, ये आपका एल्डिहाइड कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन या फिर कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एल्डिहाइड के साथ कपल करता है, तो ये नोजाकी हियामा रिएक्शन नेम रिएक्शन है। यूजफुल फॉर कपलिंग रिएक्शन ऑफ एन अलाइलिक मॉइटी टू एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके अंदर से क्वेश्चन पुटअप होता है, इसे हाईलाइट कीजिएगा, 7 स्टार आपके पास रहेगा, 7 स्टार। दिस वन यूजफुल फॉर कपलिंग रिएक्शन ऑफ एन अलाइलिक मॉइटी टू एन एल्डिहाइड और टू अ कीटोन। चलिए देखते हम दिस वन इज प्रिपरेशन कैसे करें। हमें इसके लिए चाहिए होता है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का पहले आपको कराना पड़ता है रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको मिलेगा क्रोमियम सेकेंड सॉल्ट। क्रोमियम सेकेंड सॉल्ट यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड होगी। अब अगर क्रोमियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आपके, हमें पता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 भी होती है, 4 भी होती है, मैक्सिमम 4 तक हो सकती है। तो जब इसकी एल्किल हैलाइड के साथ या अलाइलिक ग्रुप के साथ, ये अलाइलिक हैलाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, अलाइलिक ग्रुप या एल्किल हैलाइड का पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, इससे जो आपका क्रोमियम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 था वो ऑक्सीडेशन नंबर 3 के अंदर कन्वर्जन होगा। फिर ऑक्सीडेशन नंबर 3 से एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, वो न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड के ऊपर जाके अटैक करेगा। देख लेते हैं कैसे होगा। दिस वन हमारे पास है क्रोमिल क्लोराइड सॉल्ट है, ये दिस वन इज सॉल्ट, दिस वन इज सॉल्ट। हमने इसका रिडक्शन करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइलाइट से रिडक्शन करवाया, तो हमारे पास क्या मिला, क्रोमियम सेकेंड का एक सॉल्ट मिलेगा लाइक CrCl2, आप बोल सकते हो उसे CrCl2, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर कितनी रहती है, क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड के अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसकी रिएक्शन करवानी पड़ती है एल्किल हैलाइड से, यहाँ पे आप ले सकते हो अलाइलिक ब्रोमाइड, अलाइलिक आयोडाइड, अलाइलिक क्लोराइड। तो अलाइलिक एंड क्लोराइड पार्ट का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 से इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पे -1 होती है, तो +1 से यहाँ पे इंक्रीज होगी। ये होगा आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन। और आपको क्या देखने को मिलेगा, समथिंग आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, जो पहले क्रोमियम सेकेंड सॉल्ट था उसके साथ अब दो मल्टी ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गए, तो एक आर ऊपर एक एक्स नीचे, तो इससे क्या हुआ, और पहले से दो Cl तो प्रेजेंट रहते, यहाँ पे भी दो Cl प्रेजेंट रहते जिसके कारण +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ओवरऑल आपके पास क्रोमियम की अब हो जाएगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब इसे हम देख लेते एक एग्जाम्पल के थ्रू। हमारे पास एक एग्जाम्पल है नोजाकी हियामा रिएक्शन के बारे में, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके स्टैंडर्ड बुक से लिए हुए। दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल आपके पास है एल्डिहाइड, इसमें जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप रहेगा आपका है एल्डिहाइड, और आपके पास दिस वन इज अलाइलिक ब्रोमाइड है। अगर मैं अलाइलिक सिस्टम की बात करूँ तो ये आपका पूरा अलाइलिक सिस्टम है, दिस वन अलाइलिक ब्रोमाइड। ओके, अलाइलिक ब्रोमाइड ये सिस्टम है, आप यूज में लेंगे क्रोमियम, दिस वन इज क्रोमियम रिएजेंट लाइक क्रोमियम सॉल्ट जो सेकेंड के अंदर रहेगा CrCl2 सपोज। तो पहला स्टेप क्या होगा आपके पास, दिस अलाइलिक ब्रोमाइड का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, देन आफ्टर अलाइलिक जो ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज बियर करके एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा और आपके पास मिल जाएगा दिस कंपाउंड प्रोडक्ट आपका। कैसे मिलेगा देख लेते, अगर मैं इसको आपको शो करना चाहूँ, जस्ट वन मिनट, ओके, मेरे पास था आपका CrCl2, हमने यूज में लिया था अलाइलिक ग्रुप, दिस वन इज अलाइलिक ब्रोमाइड,
पहला स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन आपके पास रहेगा तो दिस वन इज सी आर, दो आपके सी एल, एक यहाँ पे बी आर ऊपर और एक यहाँ पे लग जाएगा अलाइलिक ग्रुप, दिस वन इज अलाइलिक ग्रुप। ओके, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, थ्री। पहले कितनी थी यहाँ पे, सेकेंड। अब ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर थ्री हो गई। अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल कौन है, आप सॉरी, ये आपका यहां से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, चलिए यहां से आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल जो आपको मिलेगा वो रहेगा दिस पर्टिकुलरी अलाइलिक, ये आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कौन है, एल्डिहाइड दे रखा है आपके पास, एन सी सिक्स एच थर्टीन सी एच ओ। तो अगर मैं इसे लिखूं, एल्डिहाइड को अगर मैं ओपन कंडीशन में लिखूं तो मैं लिखूंगा एन सी सिक्स एच थर्टीन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड एच। अब ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां पे, दिस बॉन्ड गेट ओपन, आपका बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और फिर आप इसे करवा दीजिए एसिडिक वर्कअप एच प्लस। तो आपके पास क्या मिलेगा, एन सी सिक्स एच थर्टीन, दिस वन कार्बन, दिस वन ऑक्सीजन, दिस एच, और यहां पे जुड़ा हुआ रहेगा आपका अलाइलिक ग्रुप, दिस पर्टिकुलरली दिस। ओके, तो ये मिल गया आपका प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट हमने यहां पर आपके पास ड्रॉ किया था। ओके ओके, ये आपके पास प्रोडक्ट यहां पे हमने ड्रॉ किया था। तो ओके, यहां पे आपके पास SN2 रिएक्शन होगी, जो आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी, जहां पे हमें SN2 रिएक्शन करनी है, ये नेगेटिव चार्ज यहां अटैक करेगा, फिर यहां पे ये बॉन्ड आपका यहां पे अटैक, ये यहां, फिर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो जो डबल बॉन्ड की पोजीशन रहेगी आपकी वो समथिंग रहेगी, ये जो दो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपके पास यहां पे रहेंगे, दिस पर्टिकुलरली यहां पे आपके पास ये टू सब्स्टिट्यूएंट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये प्रोडक्ट रहेगा एस एन टू प्राइम रिएक्शन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोजाकी हियामा के अंदर, दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, ये आपका वाइनिल आयोडाइड आपका रहेगा, दिस पर्टिकुलरली आपको जो न्यूक्लियोफाइल यहां से मिलेगा, पहला इसका होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये आपके पास है रिएजेंट, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है, यहां पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है और एक बीच के अंदर है कीटोन, तो मोर रिएक्टिव कौन होता है, एल्डिहाइड या कीटोन, तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो डेफिनेटली जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो एल्डिहाइडिक सेंटर पे करेगा। पहले स्टेप में आपके पास क्या दे रखा है, क्रोमिल क्लोराइड डीएमएफ सॉल्वेंट एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो दिस वाइनिल आयोडाइड का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो न्यूक्लियोफाइल समथिंग इस टाइप से मिलेगा, देख लीजिए राइट साइड में देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल आपको मिलेगा दिस टाइप से, यहां पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, आयोडाइड गेट एलिमिनेट दिस, और ये नेगेटिव चार्ज आपका एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। अगर मैं कराऊ एल्डिहाइड के ऊपर अटैक तो समथिंग इस टाइप से आपका ये एल्डिहाइड के ऊपर अटैक, ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, देन आफ्टर उसका हाइड्रोलिसिस यानी कि वर्कअप करवाएंगे, किसके अंदर वर्कअप हमें करवाना पड़ेगा एच प्लस में, तो आपके पास ये बन जाएगा एल्कोहल, और पूरा का पूरा आपके पास मॉलिक्यूल रहेगा दिस वन इज प्रोडक्ट, आपका कीटोनिक सेंटर के ऊपर रिएक्शन नहीं होगा, आपके पास ओनली एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है नोजाकी हियामा से रिलेटेड, वो हमारे पास रहता है दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है आपके पास, यहां पर अगर हम देखा जाए तो पहले आपको दे रखा है एरो के ऊपर डाइबल एच एंड इन हेक्सेन सॉल्वेंट, सेकेंड कंडीशन में अमोनियम क्लोराइड के साथ वर्कअप करवाया है। तो देख लेते हैं ये जो हमारे पास ईस्टर है, दिस वन ईस्टर इलेक्ट्रॉन सफिशियंट कार्बोनिल ग्रुप है, और डाइबल एच कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिड्यूसिंग एजेंट, तो डेफिनेटली डाइबल एच एस्टर को रिड्यूस्ड करता है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। तो ये पहला स्टेप आपका रहेगा रिडक्शन का, कौन सा रहेगा, पहला स्टेप आपका रहेगा रिडक्शन,
रिडक्शन ऑफ एस्टर टू एल्डिहाइड। और वर्कअप करवा दिया तो आपके पास ये मिल गया, सेंटर कौन सा रहा, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर आपका दिस एस्टर गेट रिड्यूस टू एल्डिहाइड। अब आपके पास दे रखा है एरो के ऊपर, दिस वन इज आयोडोफॉर्म सी एच सी आई थ्री आयोडोफॉर्म। फिर आपके पास दे रखा है क्रोमिल क्लोराइड एंड डाइऑक्सीडेंट, या फिर ये डाइऑक्सीडेंट सॉल्वेंट है या फिर टी एच एफ लो इन 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये पर्टिकुलरली रिएक्शन कराती है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूजफुल है। ये रिएक्शन कैसे हुई देख लेते हैं, बता देता हूँ। पहले स्टेप में आपके पास क्रोमियम क्लोराइड जो आपके पास दे रखा है, इसका इस पर सी एच आई थ्री का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, तो आपके पास क्या मिलेगा सी एच आई थ्री जो है, तो फर्स्ट स्टेप में मिला सी एच दिस वन आई दिस वन कार्बन हाइड्रोजन एंड डबल आई। ओके, अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल आपको मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन मिलेगा, दिस पर्टिकुलरली सी एच आई टू दिस न्यूक्लियोफाइल मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा सी एच आई टू फर्स्ट। ये आपका अटैक करेगा एल्डिहाइड के ऊपर। ओके, कहाँ पे अटैक करेगा, अटैक ऑन एल्डिहाइड। सपोज कीजिए दिस पर्टिकुलरली गोज टू एल्डिहाइड जो आपके पास था डबल बॉन्डेड टू ओ बॉन्डेड टू एच, और आपके पास फर्दर जो मॉइटी थी, ओके सपोज कीजिए मैं इसको ले लेता हूँ आर प्राइम, तो इसने एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्ट किया, ये बॉन्ड ओपन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो आपके पास क्या आएगा, आप ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर इसका प्रोटोनेशन हो गया, तो आपके पास आएगा दिस वन सी ओ एच दिस कार्बन दिस वन इज एच और यहाँ पे दो आयोडीन और ये आपका आर प्राइम। डेफिनेटली फिर से आपका क्या होगा, अगेन आपका आपको देखने को मिलेगा, आपने अगर क्रोमिल क्लोराइड यूज में लिया सी आर सी एल टू, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वापस से ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा आपके पास सी आर सी एल टू का, दिस मॉइटी मॉइटी के साथ एडिशन होगा और आपको मिलेगा समथिंग सी एच बॉन्ड कार्बन बॉन्ड ओ एच बॉन्ड आर प्राइम, और ये आपका यहाँ पे अटैच रहता है क्रोमियम दिस सी एल दिस सी एल दिस आयोडीन और एक आयोडीन इसके साथ अटैच है। अब इससे क्या हुआ, आपका दिस पर्टिकुलरली क्रोमियम क्रोमियम कार्बन बॉन्ड आपका पोलराइज्ड है, तो इट मींस ये बॉन्ड आपका कार्बन बियर डेल्टा नेगेटिव क्रोमियम बियर डेल्टा पॉजिटिव, इससे होगा कार्बन क्रोमियम बॉन्ड यहाँ अटैक ओ एच गेट एलिमिनेट और आपको पास क्या मिलेगा सी एच डबल बॉन्डेड टू सी बॉन्डेड टू आर प्राइम और यहाँ पे साथ में एक एच भी रहेगा आपका, पहले से जो एच प्रेजेंट था उसे भी आपको लिखना है, तो यहाँ पे एच लिख लीजिए और आपके पास यहाँ पे रहा एक आयोडाइड दिस वन इज आयोडाइड और आपके पास यहाँ पे एक एच, तो ये बन गया आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसे कहते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो यहीं पे हमने देखा है ये कार्बन दिस कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास फॉर्म हुआ है, ये आपके पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन रहता है वो है क्रोमियम या ऑर्गेनोक्रोमियम बेस्ड रिएजेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अब नोजा की टकाई हियामा किसी कपलिंग। ये आपका नोजा की हियामा रिएक्शन का एक मॉडिफाइड वर्जन है। इसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा एडिटिव यूज में लेते हैं जो है हमारे पास कैटालिटिक अमाउंट ऑफ निकल डाइक्लोराइड या निकल क्लोराइड सॉल्ट। ये एक्ट एज अ को कैटलिस्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन स्पीड को इंक्रीज करता है, सेलेक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट आपके पास बनती है। तो अगर हमारे पास पूछा जाए कि नोजा की टकाई हियामा किसी कपलिंग में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एन आई सी एल टू एक्स्ट्रा क्रोमियम सॉल्ट के साथ यूज में किया जाता है, जो रिएक्शन रेट को बढ़ाता है, सेलेक्टिविटी बढ़ाता है, इल्ड को बढ़ाता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे भी वही स्टार्टिंग मटेरियल्स हमारे पास होंगे, स्टार्टिंग मटेरियल दिस वन इज एल्डिहाइड, दिस वन इज वाइनिल हैलाइड एंड कपलिंग आपको देखने को मिलेगी। ये आपका बॉन्ड वर्चुअली आपका यहाँ से क्लीव करना है, यहाँ से इसे एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करवाना है, एल्डिहाइड के ऊपर अटैक होने पे यहाँ पे मिल जाएगा अल्कोहल। तो डेफिनेटली अगर आप क्रोमिल क्लोराइड विथ कैटालिटिक निकल क्लोराइड यूज में ले रहे हैं, तो आपके पास क्या मिलेगा, ये बॉन्ड आपके पास
ऐड रहेंगे दिस पर्टिकुलरली एंड दिस कार्बन, और आपका जो एल्डिहाइड था वो अल्कोहल के अंदर रिड्यूस्ड मिलेगा, और जो आपकी प्रोडक्ट यील्ड है वो कितनी रहेगी, देखिए ये बन गई आपकी 80%। कब? जब हमने NiCl2 एज अ एडिटिव के रूप में यूज लिया, एज अ कैटलिस्ट के रूप में यूज में लिया। इसी टाइप से अगर हमने बात करें हम सेकेंड एग्जाम्पल की, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, और ये भी आपका रिएजेंट है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में, आपके पास ए और बी दो चीज दे रखे हैं। अगर इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप को अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो यहाँ पे ये जो मिलियर दिख रहा है, दिस वन इज एसिटल कीटोन का प्रोटेक्शन है। सेकंड ये मुझे दिख रहा है वाइनिल ओटीएफ, यानी कि वाइनिल सल्फोनेट आपको यहाँ पे दिख रहा है ओटीएफ। और बी के अंदर मुझे जो रिएक्टिव हमारा सेंटर है, दिस वन इज एस्टर है, दिस वन इज एस्टर, दिस वन ओपीएमबी यानी प्रोटेक्टेड अल्कोहल है, टीएमएसओ ये भी प्रोटेक्टेड अल्कोहल। तो जो रिएक्टिव साइट मुझे दिखी ये बचा मेरा एल्डिहाइड, सॉरी दिस वन इज एल्डिहाइड, दिस वन इज वाइनिल ओटीएफ। तो इन दोनों के बीच में अगर आपको क्रोमिल क्लोराइड दे रखा है लाइक वाइनिल हैलाइड था, उसी तरह यहाँ पे वाइनिल ओटीएफ है। ओटीएफ इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ओटीएफ क्या आपका, दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप आपके पास है। तो कपलिंग रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, ये आपका वर्चुअली यहाँ से क्लीव कीजिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा ड्यू टू क्रोमिल क्लोराइड के ऊपर ऑक्सीडेटिव एडिशन के कारण। ओके, फिर ये कीटोन के ऊपर सॉरी एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा, एल्डिहाइड अल्कोहल के अंदर रिड्यूस्ड होगा। और अगर NiCl2 दे रखा है तो रिएक्शन में यील्ड भी ज़्यादा मिलेगी, सेलेक्टिविटी आपके पास ज़्यादा रहेगी। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, जस्ट मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये इस टाइप से आपके पास रहेगा, दिस वन एच दिस, ये आपका 69H19 एन पोर्सन, और आपको जो बॉन्ड मिलेगा दिस एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा OH, दिस वन इज CO2 टर्ब्यूटिल, ये आपका ऊपर, ये आपका OPMB प्रोटेक्टेड अल्कोहल, दिस वन डॉटेड के ऊपर है आपका COT टर्ब्यूटिल, और अबाउ द प्लेन आपके पास है प्रोटेक्टेड अल्कोहल TMSO। तो हमारे पास जो रिएक्शन सेंटर रहा वो था दिस से दिस वन। ओके, आपके पास बॉन्ड मिला, अगर मैं चाहूँ तो उसे हाईलाइट कर दूँ, इसे दीजिए कार्बन नंबर 1, इसे कार्बन नंबर 2, तो ये 1 और ये 2। ओके, दिस वन इज प्रोडक्ट। तो ये लेक्चर था आपका ओवरऑल ऑर्गेनोक्रोमियम बेस्ड रिएजेंट के बारे में। इसके अंदर हमने देखा कि किस टाइप से अगर क्रोमियम आपका एरिल मॉइटी के साथ जुड़ा हुआ है तो वो इसकी जो रिएक्टिविटी पैटर्न है चेंज करता है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। देन आफ्टर हमने नोजाकी हियामा रिएक्शन के बारे में देखा, ऑर्गेनोक्रोमियम बेस्ड रिएजेंट है। फिर हमने देखा नोजाकी टकाई हियामा किसी कपलिंग रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम निकल डाइक्लोराइड एज एडिटिव कैटलिस्ट के रूप में यूज में लेते हैं, जो सेलेक्टिविटी एज वेल एज यील्ड को बढ़ाता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।